नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीएसजी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। पहले चरण के मतदान भी हो चुके हैं, दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को होने हैं और तीसरे चरण के मतदान 7 नवंबर को होने हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े लीडर बिहार में ही समाये हुए हैं। तमाम स्टार प्रचारक बिहार में ही बसे हुए हैं। नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार बिहार में अपने मंचों से 15 साल को गिनवा रहे हैं, लेकिन एक सर्वे एक रिपोर्ट के हिसाब से हम आपको बता दें कि जिस 15 साल की बड़ाई नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं, उस 15 साल में ठीक हमारे पड़ोसी राज्य यानी झारखंड, जो कि कभी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था, उन्होंने कितनी प्रगति की है। हम आपको आज इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं कि बिहार 15 सालों में कितनी तरक्की की है और झारखंड ने कितनी तरक्की इन 15 सालों में कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैलियों में जो शब्द बार बार सुनाई दे रहा है वो है 15 साल। नीतीश लोगों को 15 साल पहले के बिहार की तस्वीर दिखा रहे हैं। अपने 15 साल की तुलना लालू के 15 साल से करते हैं, मानो इन सालों में बिहार की काया पलट हो गई हो। पर आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं कि बिहार आज भी देश के बाकी राज्यों से पिछड़ा हुआ है। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में आज हर आदमी रोज सिर्फ 120 रुपया ही कमाता है, जबकि झारखंड का आदमी रोज 220 रुपये तक की कमाई कर रहा है, बिहार से 100 रुपये ज़्यादा। सिर्फ कमाई ही नहीं, बेरोजगारी के मामले में भी बिहार झारखंड से कोसों आगे है। यहाँ बिहार की तुलना झारखंड से इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज भले ही बिहार और झारखंड की पहचान दो अलग अलग राज्यों की हो, लेकिन 20 साल पहले तक दोनों एक ही राज्य थे। इकोनॉमिक सर्वे और RBI के आंकड़े बताते हैं कि 15 साल में बिहार का हर आदमी की कमाई 5 गुना बढ़ी है। नीतीश जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब यहाँ हर आदमी का सालाना कमाई 7,914 रुपये था, आज 43,822 रुपया है। यानी रोज की कमाई के बारे में आपको जानकारी दें तो यह 120 रुपया और महीने की कमाई के बारे में जानकारी हम आपको दें तो 3651 रुपया है। इसकी तुलना में जब झारखंड से हम करेंगे तो यहां बिहार की तुलना में लोगों की कमाई 4 गुना ज्यादा बढ़ी है, लेकिन फिर भी झारखंड का आदमी बिहार के आदमी से हर साल करीब 2 गुना कमाई करता है। झारखंड में हर आदमी की सालाना कमाई 79,873 रुपये है, वहीं 15 साल में देश में हर आदमी की सालाना कमाई 1,00,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है, पर बिहार में सिर्फ 35,000 रुपये ही लोग कमा पाते हैं। वहीं देश में बेरोजगारी दर के आंकड़े अब केंद्र सरकार जारी करती है। 2011-12 तक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO सर्वे करता था, लेकिन आज लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS सर्वे होता है, जिसका डेटा बताता है कि बिहार और झारखंड ही नहीं बल्कि देश में भी बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। 2004 और 5 में बिहार के गांव में बेरोजगारी दर 1.5% और शहरों में 6.4% था। अब यहां के गांव में बेरोजगारी की दर की बात हम करें तो यहां 10.2% और शहरों में 10.5% बेरोजगारी का दर पहुंच चुका है। बेरोजगारी दर झारखंड और देश में भी लगातार बढ़ रहा है। बिहार के लिए यह इसलिए भी चिंताजनक होती जा रही है क्योंकि यहाँ की करीब 90% आबादी आज भी गांव में ही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट के लिए DHT न्यूज़ पटना। देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।